इमरान खान ने बड़े अरमान से अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और चीन के शी जिनपिंग को आम का तोहफा भिजवाया, लेकिन अफसोस ये कि अमेरिका और चीन दोनों ने ही इस तोहफे को कबूल नहीं किया और लौटते विमान से आम का टुकड़ा वापस पाकिस्तान आ गया। सिर्फ अमेरिका और चीन ने ही पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं किया, बल्कि कई दूसरे देशों ने भी इस तोहफे को ठुकरा दिया। मतलब कि इमरान खान की मैंगो डिप्लोमेसी भी अमेरिका से रिश्तों में मिठास नहीं घोल पाया। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से 32 देशों की सरकारों और राष्ट्राध्यक्षों को 64 आम की पेटियां भेजी गईं। आम की इन पेटियों को अमेरिका, चीन, रूस, कनाडा, फ्रांस जैसे विकसित देशों के अलावा नेपाल, तुर्की, श्रीलंका, ईरान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे कुल 32 देशों को भेजा गया। हालांकि अमेरिका और चीन ने कोरोना वायरस क्वारंटीन नियमों का हवाला देते हुए पाकिस्तान के द्वारा भेजी गई आम की इन पेटियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अमेरिका और चीन के अलावा कनाडा, नेपाल, मिस्र और श्रीलंका ने भी पाकिस्तान के द्वारा मैंगो डिप्लोमेसी के तहत भेजे गए आम के तोहफे को स्वीकार करने में असमर्थता जताई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर भी दी गई कि पाकिस्तान के एफओ ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को भी 64 आम की पेटियां भेजी थी। हालांकि अभी तक पाकिस्तान की इस मैंगो डिप्लोमेसी पर उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। न्यूज इंटरनेशनल की खबर में बताया गया है कि विभिन्न देशों को यह आम पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी की ओर से भेजे गए हैं। बाकी देशों का तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के परम मित्र चीन ने उसके तोहफे को नकार दिया, यह पाकिस्तान के लिए ठीक खबर नहीं है। इस्लामिक कट्टरपंथियों और भारत के खिलाफ अपने पैतरों से चर्चा में रहने वाला पाकिस्तान कभी कभार ऐसी ही कुछ वजहों से भी चर्चा में बना रहता है। 2019 में एक खबर आई थी कि देश की आर्थिक किल्लतों के चलते पाकिस्तान के सियासतदानों ने चीन को गधे बेचने के फैसले किए थे। पाकिस्तान में गधों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है और पाकिस्तान इन गधों को बेचकर करोड़ों रुपए कमाना चाहता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।